गुड मॉर्निंग दोस्तों, कृषि लाभ चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी को कह रहा था कि मेरा सेकेंड एक गार्डन है जो आप लोगों को के साथ मैं शेयर करूंगा, जो नया है उसमें भी हिबिस्कस का है और कुछ और पौधों फूलों का पौधे का जो खेती हो रहा है वो आपको दिखाएंगे। तो अभी मैं उसी गार्डन में आया हूँ। आप सभी के रिक्वेस्ट पे मैं और एक बनाया ये वीडियो आप सभी के लिए। अभी ये छोटा छोटा है सब पौधा, आप लोग देखिए। चलिए गार्डन आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा सेकंड और एक ज़मीन का जो पौधा है इसमें तीन फूलों का खेती हो रहा है। एक हिबिस्कस का, एक बेली फूल का, जैस्मिन का। ये देखिए जैस्मिन, देख सकते हैं आप, छोटा छोटा है। अभी इसके बारे में कैसे लगाना है, क्या क्या कैसे खाद देना है, ये सब बाद में आपको आप लोगों को बताएंगे। तो अभी आप लोगों को खाली गार्डन के बारे में गार्डन दिखा रहा है। बीच बीच में देखिए ये जैस्मिन का पौधा है, अभी इधर हिबिस्कस का है, छोटा छोटा है सब। और हिबिस्कस का पौधा अभी थोड़ा, हिबिस्कस का पौधा 3-4 महीना हो गया। ये देखिए ये अपराजिता फूल का, फूल बोलते हैं जिसको, ये भी लगाया हमने विंटर के टाइम। अभी छोटा छोटा है, थोड़ा गर्मी और बारिश होने के बाद ये भी ठीक ठाक मर जाएगा। और ये है मेरा पूरा ज़मीन, देख सकते हैं आप लोग, सेकंड गार्डन। और अभी ये छोटा छोटा है लेकिन 3-4 महीने के बाद ये रेडी हो जाएगा। तो ज़मीन थोड़ा साफ सुथरा करना पड़ेगा, अभी तो छोड़ दिया, अभी चल रहा है ऐसा ही। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आप लोगों को बाद में बताएंगे कैसे 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 खाद किया। और ये ज़मीन खर्च, ज़मीन रेडी करने में ये ज़मीन का थोड़ा कॉस्टली लगा, क्योंकि ये जो घेराबंदी है बांसों का इसमें और चारे में लेबर, इसमें थोड़ा खर्च आ गया ज़्यादा ही। तो इसलिए ये डिटेल्स आप लोगों को बाद में बताएंगे कैसे कम खर्च में आप लोग ये खेती कर सकते हैं और अधिक मुनाफा लाभ कर सकते हैं, और कौन कौन सी पौधा आप लोग लगाएंगे तो अच्छा अच्छा होगा आप लोगों के लिए, तो ये बाद में बताएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। चलिए दोस्तों, गुड बाय।